नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे हाउ फ्री इज द प्रेस और ये पेज नंबर है 80 और अब हम करेंगे D3 वर्ड मीनिंग. ठीक है, एग्जाम्पल वन और एक्सरसाइज वन, नॉट एग्जाम्पल. फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स द मीनिंग्स ऑफ विच हैव बीन गिवन इन कॉलम ए. The last part of each word is given in column B. ठीक है, तो जो last part word का है वो है पहला वाला SHIP, ship, ship. फिर OUS, us. फिर PTSY, ERT, TING और ITE. ठीक है, तो जो उससे पहले है ना, शिप से पहले कुछ पार्ट है वर्ड का जो हमें ढूंढना है और उसका जो मीनिंग है वो कॉलम ए में है. अच्छा, जब आप देखेंगे पहले द पॉलिसी ऑफ सप्रेसिंग पब्लिकेशन ऑफ एनी आइटम, तो ये इसका ये वर्ड जो है ये है सेंसरशिप. और तो पहला वाला शिप जो है उससे पहले आप लगाएंगे सेंसर, CENSOR. फिर कॉजिंग ग्रेट लॉस, फिर ये वाला है OUS के लगाएंगे उसके बाद में, और वर्ड है डिजास्ट्रस. और ये जो सारे वर्ड्स हैं सेंसरशिप या डिजास्ट्रस या लेसन में है, तो OUS से पहले लगाएंगे डिजास्ट्रस, DISASTROUS. फिर द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट मनी, ये है बैंकरप्टसी. तो एंड में आप देख रहे हैं PTSY, उससे पहले लगाएंगे BANKRUPTCY, बैंकरप्टसी. फिर कॉज द डाउनफॉल, ठीक है, कॉज द डाउनफॉल शब्द जो है वो है सबवर्ट, उसका मतलब है कॉज द डाउनफॉल. और ये ERT जो आप देख रहे हैं वो सबवर्ट वर्ड में है, SUBVERT. फिर प्लेजेंटली स्टिम्यूलेटिंग, ये है टिटिलेटिंग, TITILATING, ये TING इसमें एंड में आएगा. स्टर टू एक्शन, ठीक है, ये वर्ड है इनसाइट. इनसाइट का मतलब है स्टर टू एक्शन, INCITE. फिर जो लास्ट वाला है, मैम सॉरी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे पेपर से कट ऑफ है, पर वो जो बाकी है एंडिंग्स में वो उसी से होगा. ठीक है, अगर आप देखिए आपके एंड में होएगा. फिर एक्सरसाइज टू, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स माने वो जो ब्लैंक जो है वो डालना है उसमें. नंबर ए, वी ऑल बिकम वेरी डैश बाय द न्यूज रिपोर्टिंग. तो एक्साइटेड या एक्साइटिंग, उससे बीच में चुनना है. तो आप जरा बोल के देखिए, वी ऑल बिकम वेरी एक्साइटेड बाय द न्यूज रिपोर्टिंग, ये करेक्ट साउंड करता है. पर अगर आप डालेंगे वी ऑल बिकम वेरी एक्साइटिंग बाय द न्यूज रिपोर्टिंग, ये करेक्ट नहीं है, एक्साइटेड है. अच्छा, आई डू नॉट डैश द इंसिडेंट्स, दो शब्द हैं रिकलेक्ट और रिकलेक्ट, सो कौन सा डालना है बीच में, तो फिर बोल के देखिए, आई डू नॉट रिकलेक्ट द इंसिडेंट्स, ये वाला करेक्ट है. अगर आप बोलेंगे आई डू नॉट रिकलेक्ट द इंसिडेंट्स, ये गलत है. यू मे डैश बिटवीन द टू इंग्लिश डेलीज, चोज या चूज, चोज वो है पास्ट टेंस माने जो हो गया है, पर आप बोल रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में रहो कि यू कैन चूज, यू मे चूज बिटवीन द टू इंग्लिश डेलीज, ये करेक्ट है. नंबर डी, अनफेवरेबल सीजन अफेक्ट्स क्रॉप्स, इफेक्ट्स का मतलब कुछ और होता है और अफेक्ट्स का मतलब इधर सही है. सो अनफेवरेबल सीजन अफेक्ट्स, AFFECTS क्रॉप्स. प्रेस शुड नॉट बी डैश मोनोपोलाइज्ड या मोनोपोलाइज्ड, प्रेस शुड नॉट बी मोनोपोलाइज्ड, ED एट द एंड. द रिपोर्ट वॉज डिस्टॉर्टिंग या डिस्टॉर्टेड, तो राइट वाला है, रिपोर्ट वॉज डिस्टॉर्टेड. अच्छा, मैं यहाँ जरा बंद करती हूँ, अब अगला वीडियो नेक्स्ट वाले पे बनाऊँगी.